हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 8वीं, ठीक है, वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23, विषय सामाजिक विज्ञान, आपका पूरा रियल पेपर। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 8वीं, ठीक है, कक्षा 8वीं, और आपका जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर हो चुका है लीक। और आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको सेट ए। जी हाँ दोस्तों, सेट ए हो चुका है आपका वायरल। और आज की वीडियो में बिल्कुल हम 100% बिल्कुल आपका जो 27 मार्च को जो पेपर होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, वो पूरा हम आपको बताने वाले हैं। अगर आज की आपने ये वीडियो पूरी अच्छे से देख ली, सभी प्रश्नों को याद कर लिया आपने, तो आपको कोई नहीं रोक सकता 60 नंबर में से 60 नंबर लाने से। ठीक है, आपने अगर इस वीडियो के सभी प्रश्नों को याद कर लिया, पढ़ लिया, रट लिया, तो आपको जो है सामाजिक विज्ञान के पेपर में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। सामाजिक विज्ञान के पेपर में क्या करोगे आप, टॉप करोगे, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो ये देख लीजिए आप लोग, मेरे पास जो है यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक है आपका 24, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर जो प्रश्न क्रमांक 24 तक सभी प्रश्नों की मैं फोटो खींच कर ले आया हूँ। ठीक है, ये देख लीजिए, ये जो है आपका क्या है, प्रश्न क्रमांक 1 है। ठीक है, प्रश्न 1 से लेकर मैं 24 तक सभी प्रश्नों की फोटो खींच कर ले आया हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, आपका बिल्कुल 100% रियल पेपर हो चुका है लीक सामाजिक विज्ञान का, मैं फोटो खींच कर लेकर आया हूँ स्कूल से। ठीक है, तो बिना देरी करें हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले अनुक्रमांक मतलब कि रोल नंबर भरना है, सबसे पहले शब्दों में, फिर सबसे पहले अंकों में, फिर शब्दों में। ठीक है, पेपर आपका 60 नंबर का रहेगा और प्रश्न रहेंगे आपके 24। ठीक है, और ये है आपका सेट ए। ठीक है, सेट ए, ठीक है, और वार्षिक परीक्षा 2022-23, विषय आपका है सामाजिक विज्ञान। तो बिना देरी करें हम शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आपका बिल्कुल पूरा पेपर। ठीक है, तो चलिए ये देख लीजिए आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखाकार कब मनाया गया। तो आपको क्या लिखना है, नंबर 1 का उत्तर लगा देना 1910 के दशक में। ठीक है, 1910 के दशक में। दूसरा है राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेखाकार स्थित है, तो आपको क्या लगा देना है, नई दिल्ली में। ठीक है, डी नंबर का उत्तर आपका सही हो जाएगा। और ये सही प्रश्न आपके एक एक नंबर के हैं। ठीक है, कितने नंबर के हैं, एक नंबर के हैं, देख लीजिए, एक नंबर के प्रश्न हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 3 है, तो प्रश्न देख लीजिए 3 है, कठपुतली एक होता है, तो क्या लगा देना है, खिलौना। ठीक है, कठपुतली क्या होता है, एक खिलौना। ठीक है, फिर चौथा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई, तो आपको लंदन लगा देना है। ठीक है, उत्तर उत्तर में लिख देना है लंदन। ठीक है, फिर इसके बाद पांचवा प्रश्न है, कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत आई, तो आपको क्या लिख देना, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली आपको उत्तर लगा देना है। फिर इसके बाद जो छठवां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश प्रारंभिक नेता इनमें से कहाँ के थे, तो आपको क्या लगा देना है, मुंबई और कोलकाता। ठीक है, बी नंबर का उत्तर, मुंबई और कोलकाता। प्रश्न 7 है, भारतीय राज्य के खालिस्तान अंग होते हैं, तो आपको क्या लगा देना है, 3 अंग होते हैं। ठीक है, 3 आपको लगा देना है। ठीक है, 3 अंग होते हैं, भारतीय राज्य के 3 अंग होते हैं। ठीक है, फिर 8वां प्रश्न है, संसद द्वारा पारित पैसा कानून जो बेहद लोकप्रिय है, ऐसे कानून की लोगों द्वारा किस प्रकार आलोचना की जाती है, तो आपको इसका उत्तर कौन सा लगा देना है, इसका उत्तर हो जाएगा 8वें प्रश्न का क्या, देख लीजिए, हिंसात्मक क्रियाओं द्वारा। ठीक है, डी नंबर का उत्तर लगा देना है। फिर प्रश्न 9वां है, निम्नलिखित में से कौन संसद को निर्धारित नहीं करता, ठीक है, तो आपको उत्तर क्या लगा देना है, 9वीं का उत्तर आपको लगा देना है, 9वीं में मात्रा। ठीक है, मात्रा आपको लगा देना है 9वीं में उत्तर। फिर प्रश्न 10, इनमें से कौन से स्थान सघन बड़े क्षेत्र हैं, ठीक है, तो इसका उत्तर आपको क्या लगा देना है, नदी घाटी। ठीक है, नदी घाटी आपको लगा देना है इसका उत्तर। ठीक है, फिर आ जाता है क्या प्रश्न 11, तो लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनके नंबर जो है 3 अंक हैं। ठीक है, पहला है, 11वां प्रश्न है, जेम्स मिल कौन था। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखना है। फिर इसके बाद 12वां प्रश्न है, चार्ट से क्या तात्पर्य है, जो चार्टर से क्या तात्पर्य है, चार्टर से क्या तात्पर्य। ठीक है, फिर प्रश्न तेरह है, वन गांवों की स्थापना क्यों की गई, जो वन गांव उनकी स्थापना क्यों की गई। ठीक है, 3 नंबर का ये प्रश्न है। प्रश्न 14 है, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए, जो मुगल सम्राट थे वो विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर आपको लिखना है। फिर प्रश्न 15 है, वुड के डिस्पैच से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वुड के डिस्पैच से आप क्या समझते हैं, 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, और सभी प्रश्नों को क्या करना है, आपको अच्छे से देख लेना है और आपको इनके उत्तर जल्दी जल्दी ढूंढ के जो याद कर लेने हैं, और हम आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर जल्दी जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, और आप जो अच्छे से पढ़ लेना सभी प्रश्नों को, और 60 नंबर में से 60 नंबर लाकर जो आप लोग 8वीं में विषय सामाजिक विज्ञान के में टॉप करोगे। ठीक है, फिर प्रश्न 16, संवैधानिक उपचार के अधिकार में किस बात का उल्लेख किया गया है, 3 नंबर के ये प्रश्न है। फिर प्रश्न 17, विपक्षी दल किसे कहते हैं,
विपक्षी दल किसे कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है अगला प्रश्न है 18वां, तटीय एवं शुष्क प्रदेशों में मृदा अपरदन की रोकथाम किस प्रकार की जाती है। जो तटीय और शुष्क प्रदेश होते हैं उनमें मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी प्रकार की युक्ति अपनाई जाती है, किस प्रकार से मृदा अपरदन पर जो है रोकथाम लगाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है प्रश्न 19 है, स्थानांतरी कृषि क्या है, इस कृषि की हानियाँ क्या है। ठीक है, इस कृषि से क्या हानियां होती है। ठीक है, स्थानांतरी कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियां हैं, 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न 20 है, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको एक संसाधन क्यों समझा जाता है। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर आपको लिखना है। फिर आ जाते हैं प्रश्न 21 से, तो प्रश्न 21 से आ जाते हैं दीर्घ उत्तर की प्रश्न, जिनमें जो है एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा और एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, और अगर आप दोनों करते हैं तो 3 नंबर और 2 नंबर मतलब कि आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको दोनों प्रश्न करने हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, प्रश्न 21 से, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच भारत में होने वाली लड़ाइयों के कारण की चर्चा कीजिए, 3 नंबर का ये आपका प्रश्न है, इसका उत्तर आपको लिखना है। फिर 12 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने सरकारी दस्तावेज को किस प्रकार से सुरक्षित रखा। ठीक है, 2 नंबर का ये आपका प्रश्न है। ठीक है, फिर 22वां प्रश्न है, ज्योति राव और अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय असमानताओं की आलोचना को किस तरह सही ठहराया। ठीक है, 3 नंबर का ये आपका प्रश्न है 22वां। ठीक है, ज्योति राव और अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय असमानताओं की आलोचना को किस प्रकार सही ठहराया। ठीक है, 3 नंबर का ये आपका प्रश्न है। फिर इसके बाद 12 नंबर का प्रश्न है, जिसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे, क्या है, कोई 5 आपको मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखने हैं, कोई भी आपको 5, ठीक है, मानव निर्मित जो मानव द्वारा बनाए गए हैं उन संसाधनों के नाम लिखने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद प्रश्न 23 है, प्रश्न 23 का 8 नंबर का प्रश्न है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। मतलब जो भी जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उन्हें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर लिखना, तो आपको जो है 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये 8 नंबर का प्रश्न है 23वें का। फिर प्रश्न 23वें का 12 नंबर का प्रश्न है, जिसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। प्रश्न है, संसद किसे कहते हैं। संसद होती है तो उसे क्या है संसद। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है, संसद किसे कहते हैं। प्रश्न 24 है, इसका 8 नंबर वाला प्रश्न है, औद्योगिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, औद्योगिक तंत्र से क्या समझते हैं, 3 नंबर का ये आपका प्रश्न है, प्रश्न 24 का 8 नंबर का, कि औद्योगिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, मतलब औद्योगिक तंत्र क्या है, क्या चीज़ है औद्योगिक तंत्र। ठीक है, फिर इसके बाद जो 12 नंबर का प्रश्न है, कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए, 2 नंबर का ये आपका प्रश्न है, आपको जो है कोई भी आप 2 या 3 लिख सकते हैं कृषि आधारित उद्योगों के नाम। ठीक है, तो ये हो गए आपकी 24 के 24 प्रश्न, और हमने पूरा पेपर आपको बता दिया है। अब सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको जल्दी से जल्दी जो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको जल्दी जल्दी बता देंगे और उसकी वीडियो हम आपको जल्दी जल्दी डाल देंगे यूट्यूब पर। तो आपको जो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सब्सक्राइब करके जो है बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लेना है, ताकि जैसे ही हम जो है सभी प्रश्नों के उत्तर की वीडियो बनाए, सभी प्रश्नों के उत्तर की वीडियो बनाए तो आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जो आपको बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं, जय हिंद जय भारत। तो वीडियो को लाइक कर दें, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, पूरा रियल पेपर लेकर आए, तो वीडियो को लाइक कर दें।